हाँ तो लोगों, दिस इज गौरव सिंह, आपसे स्वागत मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में से। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ मिलता है। तो फाइनली आज वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आज वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर वीडियो में पढ़ने वाले होंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और इससे पहले हमने सॉल्यूशंस पढ़ा था, तो आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आई बटन पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। सबसे पहले तो हेलो एल्केन्स के हम हेलकाइल एलाइड बोल रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स आर डी कंपाउंड्स विच हैव द जनरल फॉर्मूला आर एक्स एंड सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स, वेयर आर इज़ एल्काइल ग्रुप एंड एक्स इज हेलाइड। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। रिप्रेजेंट हम आर डैश एक्स से करते हैं। एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड सी एच टू सी एल, ये क्लोरोमीथेन हो गया। ठीक है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन सी एच टू सी एच टू सी एल। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए हेलो एल्केन के। हेलो एरिन क्या होता है, दे आर डी अराइल हेलाइड द कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन अटैच डायरेक्टली टू एरोमेटिक। ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास हेलोजन होते हैं बट वो डायरेक्टली किससे अटैच हो जाते हैं, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, व्हेन द कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन अटैच टू एरोमेटिक रिंग इट इज कॉल्ड हेलो एरिन्स। देयर जनरल फॉर्मूला इज ए आर एक्स। ठीक है, तो ए आर एक्स से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ना। उनका क्लासिफिकेशन देखो, तो सबसे पहला हो गया तुम्हारा मोनो हेलो एल्केन्स, जिसमें कि सी एच थ्री एक्स है। ठीक है, ये क्लोरो इथेन हो गया। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया मैट। ठीक है, सी एच थ्री एक्स क्लोरोमीथेन हो गया। डाई हेलो एल्केन्स में क्या होता है, डाई है मतलब दो हैं और हेलो मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन, तो दो हेलोजन है यहाँ पे बी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 डाइब्रोमो इथेन। ट्राई हेलो है तो तीन होंगे, तो यहाँ पे तीन हेलोजन होंगे 1.2.3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते रहते हैं मोनो हेलो एरिन्स। ठीक है, इसमें एक हेलोजन अटैच है, डाई हेलो एरिन्स में दो हेलोजन अटैच होंगे एरोमेटिक रिंग से, और ट्राई हेलो एरिन्स में तीन अटैच होंगे। नाउ डाई हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको दो कंडीशन में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, दो पार्ट्स में, जेम डाइहैलाइड एंड विसनल डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड में क्या होता है, जब दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन आइटम के साथ जुड़ जाएँ, ठीक है, तो उसे हम जेम डाइहैलाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1.1 डाइक्लोरो इथेन या 2.2 डाइक्लोरो प्रोपेन। बट विसनल डाइहैलाइड में क्या होता है कि जब दो हेलोजन आइटम एडजेसेंट कार्बन से ऐड होते हैं, जैसे कि 1.2 डाइक्लोरो प्रोपेन 1.2 डाइक्लोरो इथेन, उसे हम विसनल डाइहैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, सबसे पहला आता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हेलोजन एटम अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, और स्टार्टिंग में अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक अल्काइल है, यहाँ पे तुम्हारे दो अल्काइल हैं, और यहाँ पे हमारे तीन अल्काइल हैं। ठीक है, तीन आर हैं, आर क्या है, अल्काइल ग्रुप ही तो है। तो देखो एलालिक हैलाइड क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन एटम उस एलालिक कार्बन से अटैच होता है जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जिसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिस कार्बन का, वहाँ पे हेलोजन अटैच हो जाएगा, जैसे कि 3-हेलो प्रोपीन या 3-हेलो साइक्लोहेक्सेन। बेंजाइल में क्या होता है, बेंजाइल मतलब बेंजीन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से तो अटैच होगा बट नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ठीक है, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग जो कार्बन एटम होगा जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वहाँ पे जाके हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1-हेलो इथीन या बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, देन हम आते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक मतलब क्या होता है, द हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, अभी तक sp3 की बात हो रही थी, अब sp2 पे आ गए। ठीक है, ऐसा कार्बन जो sp2 हो और जो नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मीन्स जस्ट नेक्स्ट टू उसके बाद हो। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, तो वहाँ पे अगर अटैच हुआ तो उसको हम विनाइलिक कहेंगे। एंड अराइल में होता है सिंपल सा, अगर हेलोजन एटम तुम्हारा एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम अराइल हैलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल हेलो अराइल या हेलो बेंजीन। नाउ प्रिपरेशन मेथड देखो, हेलो एल्केन का सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन से, तो यहाँ पे इथेन प्लस Cl2 अगर हम मैच करो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। ठीक है, यहाँ पे ये इथाइल क्लोराइड बना देगा प्लस HCl बना देगा। अब Cl2 क्या कर रहा है, ये H2 क्या कर रहा है, जो कि हम कैटलिस्ट लिए हैं, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और एक Cl को ऐड कर देता है। तो हाइड्रोजन रिमूव करो और Cl ऐड करो, मीन्स हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिमूव करो और हेलोजन लगाओ। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हेलोजन लगाओ, तो ये इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और एक हेलोजन वहाँ पे आके जुड़ जाएगा, जैसे कि CH3 CH2 CH3 था, तो ये CH3 CH2 CH2 हो गया, साथ में एक Cl जुड़ गया। ठीक है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब माइनर और मेजर में कैसे पता लगाएंगे, जहाँ पे डिग्री के हिसाब, जहाँ पे मोर एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, मोर एल्काइल ग्रुप होंगे, जहाँ पे मोर डिग्री होगी वहाँ पे हम उसको मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जिस ग्रुप से जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाले से, ठीक है, 2-क्लोरोप्रोपेन में, तो यहाँ पे देखो एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है, तो 2 डिग्री हो गया ऐसे। और वहाँ पे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे एक भी वो चेन नहीं है। ठीक है, मतलब जितने तुम ये मान के चलो, जितनी ज़्यादा चेन होगी, जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी, वो उतना ही मेजर कॉम्पोनेंट होगा। ठीक है, तो जितनी ब्रांच है उतना मेजर कॉम्पोनेंट। ठीक है, इतना याद हो गया, समझ आ गया कि नहीं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे।
ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हम एल्कोहल में एल्कोहल क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, ओ एच है, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल वही है, ओ एच हटाओ एक्स लगाओ, ठीक है, ओ एच हटाओ एक्स लगाओ। यहाँ पे क्या आता है सी एस टी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला लो सी एस टी ओ एच प्लस एच बी आर वाला लो, तो यहाँ पे देखो सी एस टी ओ एच की जगह क्या आ गया, बी आर आ गया। बी आर क्या है, हैलोजन है। ओ एच क्या था, हाइड ओ एच क्या था, ये तुम्हारा एल्कोहल था, इसको क्या कर दिया, ओ एच को हटा दिया गया और बी आर को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे कैसे ऐड करोगे, ठीक है, कैसे याद करोगे, मतलब एल्कोहल में कि ओ एच हटाओ एल्को और जो सॉरी ओ एच हटाओ एंड हैलोजन लगाओ, ठीक है, ओ एच हटाओ हैलोजन लगाओ, सिंपल से ये सारी रिएक्शंस है, ठीक है। इनके नोट्स मिल जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सब हर एक इक्वेशन नहीं, मैं तुमको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तुम आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है, जिससे कि तुम मतलब तुम समझ सको बात। अब बाकी एक प्योर मेथड वाली ये इक्वेशन लिख लो, आर ओ एच है, ठीक है, प्लस एस ओ सी एल टू, ये बना देगा आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एस सी एल, यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी सारी गैस के फॉर्म में वो उड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्योर मेथड। उसके बाद रहता है एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या करती है, वो एडिशन रिएक्शन देती है, और इससे पहले हमने क्या बताया था एल्कोहल जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ना एल्किन में देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बी आर, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, और हैलोजन जोड़ो, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ो हैलोजन जोड़ो। यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू था, एक बॉन्ड हटा, यहाँ पे सी एच टू हो जाएगा और इस वाले से क्या करेगा बी आर अटैच हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। वही सेम यहाँ पे फिर मार्कोनी कोव्स रूल क्या कहता है, या एंटी परोक्साइड रूल, ठीक है, मार्कोनी को या एंटी परोक्साइड का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम कहाँ पे अटैच हो रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, लोएस्ट हाइड्रोजन जहाँ पे हो, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहा है उसे हम मार्कोनी कोव्स या तो फिर एंटी परोक्साइड कहेंगे। बट अगर हाइड्रोजन एटम उस जगह पर ऐड हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनी या परोक्साइड, ठीक है। जैसे कि नीचे वाले में देखो यहाँ पे क्या है, बी आर कहाँ पे ऐड हुआ, सी एच टू पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे सी एच टू पे हुआ, और यहाँ पे इधर देखो इक्वेशन में क्या था सी एच थ्री सी एच सी एच टू था, तो सी एच पे होना चाहिए था, बट सी एच पे ना हो कि वो सी एच टू पे हुआ, तो ये एंटी मार्कोनिकोव्स हो गया। सी एच पे होता तो वो मार्कोनिकोव्स रूल होता, सिंपल, हैलोजन एक्सचेंज नाम से पता चला यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज होगा, सिंपल बस। तो सी एच थ्री सी एच टू सी एल था, एन ए आई था, ट्राई एसीटोन कैटलिस्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू आई हो गया, आई इधर चला गया और सी एल उधर वापस हो गया, ठीक है, बस एक्सचेंज हुआ है। तो देखो फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन होती है, उसको क्या कहती है कि एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अ एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड विद द सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिंकल स्टेट। तो एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, जब किसी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द ड्राई एसीटोन, तो फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एन ए सी एल एन ए बी आर डस फॉर्म इज प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन, यहाँ पे एग्जाम्पल तुम देख सकते हो रिएक्शन का, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्लस सोडियम आयोडाइड है एन ए आई, ड्राई एसीटोन का यूज़ किया गया है, तो ये बना देगा एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड बना देगा। देन स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहते हैं, जहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ये फोर, ठीक है, ए जी एफ हो गया, एच डी टू एफ टू हो गया, या सी ओ एफ टू, एस बी थ्री एफ टी एस बी एफ थ्री हो गया, ठीक है। अगर हम इन पॉइंट एज कम्पेयर टू डोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, दिस इज ड्यू टू देयर पोलर नेचर एंड स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो हेलोगेंस का होता है वो और इस ऑर्डर में होता है, एल सी एल से सबसे कम, आर बी आर का उसके ज़्यादा, आर बी आर का आर बी आर से भी ज़्यादा, आर आई का, तो मतलब यहाँ पे देखो जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिकुलर मास बढ़ता है एलोजन का, वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हेलोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा बी आर की होगी, उसके बाद यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर इसका देखो एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे चेन कितनी है, चेन सबसे कम है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, यहाँ पे चेन सबसे ज़्यादा तो ये मिनिमम होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम देखो ना, उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में देखो तो रिएक्शन विद मेटल करती है, मेटल यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम होगा, दूसरा डाईहाइड्रोजिलेशन डाईहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करती हैं, एंड तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती हैं। ना मैं मेटल के साथ देखो तो यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज़ होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके जो कॉमन रिएक्शन है वो है आर एक्स प्लस टू एन ए प्लस एक्स आर, एक्स क्या है हैलोजन है, आर क्या है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप बना देगा और प्लस टू एन ए एक्स बना देगा, सिंपल, इतना क्लियर है कि नहीं। फिर आता है ड्राई हाइड्रो हैलोजिनेशन, ड्राई हाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या आता है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब देखो यहाँ पे क्या सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस के ओ एच एल्कोहलिक को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे बनाएगा सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, प्लस के सी एल प्लस एच टू ओ, ठीक है, और यहाँ से एक हैलोजन में निकला, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब
हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डी भी लिखा है तो मतलब रिमूवल होगा। यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन भी निकला है CH2 से, और एक यहाँ से Cl अटैच्ड वो भी निकल गया, ठीक है। तो इसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हेलोजन दोनों निकल रहे हैं। फिर आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, को रिप्लेस कर देता है न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल तुम देख लो, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, फॉर एग्जाम्पल OH- देख लो, ठीक है, OH- हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोफाइल के। यहाँ पे देखो तुम्हारा हो गया, ये रिएक्शंस दी हुई हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। अभी क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैन अटैक द कार्बन एटम, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑल्सो, दे आर रिजल्टिंग इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद में आते हैं कि वाई हैलोजन्स रिएक्ट विद केसियन टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, वाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट। तो देखो बेसिकली केसियन क्या है, वो आयनिक है, तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड द साइनाइड आयन इन द सोल्यूशन, तो अटैक टेक प्लेस मेनली थ्रू द कार्बन एटम। यहाँ पे अटैकिंग जो कार्बन एटम के थ्रू होती, इसलिए ये साइनाइड बनाएगा। और AgCN में क्या होता है कि वो नाइट्रोजन मेनली जो मेनली अटैकिंग होता है वो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड पी आर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट, सिंपल। फिर आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो तरीके की होती हैं, SN1 SN2। SN1 में क्या होता है, टेक प्लेस टू स्टेप, ठीक है, और रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर। इन द फर्स्ट स्टेप अल्काइल लाइक जो वो अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस द कार्बोनियम आयन, एंड सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल रैपिडली कंबाइंस विद द कार्बोकैटायन टू शो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये देखो ये 3 डिग्री अल्काइल है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो SN1 में अगर मोस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी, 3 डिग्री की, जितनी ज़्यादा ब्रांच है उतना ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी। बट इसका अपोजिट तुम्हारा किस में होता है, SN2 में। यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे घट रहा है, यहाँ पे जितनी कम ब्रांचिंग है उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ किस पे डिपेंड करता है, SN1 में मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, CH2Cl, ठीक है। यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K into CH2CH, CH2 को होल्ड एक्स रेट लॉ, ठीक है। इट इज द फर्स्ट ऑर्डर, ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। बट SN2 में देखो ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, एंड रिएक्शन यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर होती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो पार्शियली पॉजिटिव कार्बन आटम ऑफ CX बॉन्ड ऑफ द सब्सट्रेट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन X, ठीक है, बॉन्ड एंड द लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन इन पार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारी मैकेनिज्म पूरी हो गई, कैसे कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, एंड ये इसका हो गया तुम्हारा, ठीक। नाउ अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्की हेलो एरिन्स में, ये तो तुमने पढ़ ही लिया। तो देखो हेलोरिन्स क्या है, बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पे FeCl2 कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, X2 ऐड करेंगे तो ये बनाएगा हेलो बेंजीन बना देगा, ये आइडो बेंजीन बना देगा नीचे वाला। यहाँ पे HI2 या HNO3 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट का यूज़ करके तुम बना सकते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहली रिएक्शन तुम, अच्छा देखो एनिलीन है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5NH2, ठीक है। अब इसको अगर तुम NaNO2 प्लस HCl यूज़ करोगे तो ये क्या बना देगा, बेंजीनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा। दूसरा सैनमेयर रिएक्शन क्या होता है, सैनमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि देर इज़ अ हेलो बेंजीन का फॉर्मूला, हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए C2Cl2 या C2Br2 कैटलिस्ट। गैटर मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉर्मेशन वही होता है हेलो बेंजीन का, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। फिर बाद में एक और तुम्हारी रिएक्शंस दी हुई हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हेलोरिन्स की, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आर वेरी वेरी नियरली सेम, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम ही होता है, बट इनके जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटापोजिशन, ठीक है। अब ये क्यों होता है, बिकॉज उनकी सिविटी के कारण होता है, क्योंकि वो ईजिली अगर फोर्थ पोजिशन पर से कट रहे हैं तो वो दो पीसेस इक्वली में कटेंगे तो ईजिली वो क्या करेंगे, क्रिस्टल लैटिस में फिक्स हो जाते हैं। बट अगर तुम 3 से काटोगे या कहीं से और से काटोगे, 5 से काटोगे, ठीक है, 3 या 5 या 6 से काटोगे, तो वहाँ से फिर वो नहीं फिक्स नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हेलोरिन्स की, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, रिएक्शन विद मेटल हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक वही सेम होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक ये लीस्ट बिहेवियर क्यों शो करती हैं, ठीक है, लीस्ट हेलोरिन्स लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करते हैं, पहला रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ CX बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। और दूसरा ड्यू टू डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव लीस्ट शो करती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन, हेलोरिन्स, ठीक है। एंड तीसरा तुम्हारा हो गया हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से भी ये होता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है ड्यू टू विच द हेलोरिन्स
शो द लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आता है तुम्हारा रिएक्शन विद मेटल, तो यहाँ पे वही है ड्राई ईथर है, ठीक है। देखो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाईफिनाइल। सिंपल सा अगर डिफरेंस तुम्हें देखना है वुड्स फिटिंग एंड फिटिक में डाईफिनाइल का फॉर्मेशन होगा, वुड्स फिटिंग में क्या होगा, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ टॉलवीन, ठीक है। मीन्स हेलोबेंजीन का फॉर्म यहाँ पे हेलोबेंजीन का सॉरी हेलोबेंजीन ही टॉलवीन का फॉर्मला हो रहा है, ठीक है। टॉलवीन का फॉर्मेशन हो रहा है और ऊपर वाले में क्या होता है, दो बेंजीन एक साथ जुड़ती हैं, ठीक है। या इस तरीके से जान सकते हो फिटिंग में क्या होगा, दो बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन कर जाएंगी, और वुड्स फिटिंग में क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप आके ज्वाइन कर जाएगा, वहाँ पे बेंजीन रिंग दो ज्वाइन नहीं होंगी। सिंपल से ये डिफरेंस याद कर लो बस, ठीक है। और रिएक्शन विद एमजी कर सकते हो, तो यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे भी ईथर का यूज़ हुआ है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स का तुम्हारा शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर कुछ कंपोनेंट, फिर यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और अ ग्रुप इन अ स्पेस, उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। पोलराइज लाइट क्या होती है, ये बेसिकली ऐसी लाइट होती है, जब भी हम लाइट को नाइकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो पोलराइज लाइट हमें ऑब्टेन होती है, जिसकी वाइब्रेशन वन प्लेन पे कंफाइंड होती है, ठीक है, उसे हम प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होता है, ठीक है, डेट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट वन इट इज़ पास थ्रू दियर सोल्यूशन, जब उसके सोल्यूशन पे पास होती है तो वो क्या करता है, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द प्लेन पोलराइजेशन लाइट को रोटेट कर देता है, उसी को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पे दो तरीके के हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। अब डेक्स्ट्रो से क्या होगा, अगर राइट की तरफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन लाइट लाइट जो है वो राइट की तरफ रोटेट होगी, डेक्स्ट्रो रोटेट कहेंगे। एंड एल से क्या होता है, लेफ्ट, एंड एल से क्या होता है, लेवो रोटेट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगी। काइरल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है ऑन इट्स मिरर इमेज, दैट इज कॉल्ड काइरल। इनैंशियोमर का मतलब क्या होता है, द स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर हो उन्हें हम इनैंशियोमर कहेंगे। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, बेसिकली ये होता है मिक्सचर ऑफ अ इनैंशियोमर्स डी एन एल फॉर्म, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी दोनों का मिक्सचर का जो फॉर्म होता है उसे हम रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। नाउ रिटेंशन एंड इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, रिटेंशन बेसिकली क्या होता है, द रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अराउंड द काइरल एट सेंटर रिमेंस द सेम एंड सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, वो लगभग सेम दिखता है, भले रिएक्शन से पहले देखा जाए चाहे बाद में देखा जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल होता है वो सेम ही रहता है। बट इन्वर्जन में क्या होता है, रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ एटम और ग्रुप अराउंड अ स्टीरियो सेंट्रल इन द प्रोडक्ट इज सपोर्टेड टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स वो जैसा दिख रहा था उसके अपोजिट दिखने लगता है, ठीक है। नाउ ये तुम्हारा हो गया रिटेंशन एंड ये हो गया इन्वर्जन का तुम्हारा वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन लगभग तुम्हारा जो है पोजीशन वही है, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह वाई हो गया बस, बाकी इतना चेंज हुआ, पोजीशन वही की वही है। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो इन्वर्जन में क्या होगा, इसका अपोजिट बन गया, जो चीज़ राइट में थी वो लेफ्ट में हो गई, जो चीज़ लेफ्ट में थी वो चीज़ राइट में आ गई, तो ये इन्वर्जन हो गया, ये बैकवर्ड हो रहा है वो फॉरवर्ड हो रहा है। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ ए कंपाउंड ही मिलता तो उसे हम रिटेंशन कहते हैं, अगर बी मिलता तो उसे इन्वर्जन कहते हैं, बट अगर 50-50 दोनों मिल जाता, मतलब आगे का भी मिलता, रिटेंशन भी मिलता इन्वर्जन भी मिलता, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसमाइजेशन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट, फिर आता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो बेसिकली ये कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा हेलोजन होते हैं, उनको पॉली हेलोजन कहेंगे, जैसे कि हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म होने कहते हैं जब थ्री हेलोजन एक साथ होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आयडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। अब ये आयडोफॉर्म कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द एक्शन ऑफ आयोडीन एंड एल्कली ऑन इथाइल एल्कोहल, ठीक है, बाकी रिएक्शन है उसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन विद द एल्कोहल, ये एल्कोहल के साथ है, ये वाली तुम देख सकते हो, ठीक है, इसको बैलेंस किया हुआ पूरा। एंड फिर दूसरी रिएक्शन तुम्हारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, वो तुम्हारी हेलोफॉर्म रिएक्शन विद एसीटोन है, पहले एल्कोहल की और नीचे एसीटोन की है, ठीक है। फिर आता है फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर दी कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली एक बनता कैसे है, बाय द स्वार्ट्स रिएक्शन, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन, यहाँ पे हम AgF2 SbF3 यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पे यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पे भी बना देगा CCl4 +2 SbF3, तो ये बना देगा CCl2F2, ठीक है, एंड 2 SbCl3। फिर DDT क्या आता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन, ठीक है, तो ये इसका नाम देखो, ये बाकी ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ यूज एज इंसेक्टिसाइड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन ड्यू टू द एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, इसकी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी की वजह से इसको पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन कर देता है, बट इसको हम इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट को मार, इंसेक्टिसाइड मारने के लिए यूज़ होते हैं, किसको, इंसेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल,
फिर लास्ट क्वेश्चन है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज इन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। तो बेसिकली इसका रीज़न है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज़ नहीं होता बिकॉज इट कैन कन्वर्ट इट देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू एन एल्काइल हैलाइड एंड इट कन्वर्ट्स पोटेशियम आयोडाइड टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं होता। तो आई होप योर लाइक डिसीजन, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो सपोर्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, गुड बाय।